हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल इन ऑनलाइन क्लास। आई एम योर शीला मैम। आई विल टीच यू SST ऑफ क्लास 5 टुडे। नाउ आई विल टीच यू द सेकेंड चैप्टर and the point is revolution of the earth, okay? तो आज मैं आप लोग को क्लास 5 की SST पढ़ाऊँगी और उसमें पॉइंट है, सेकेंड चैप्टर का पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है वो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को रोटेशन ऑफ द अर्थ मैं बता चुकी हूँ और अभी मैं आप लोग को बताऊँगी पृथ्वी का वार्षिक गति, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में मूव करती है, कितने दिन में वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है और उसका इफेक्ट पृथ्वी पर क्या पड़ता है। ओके सी, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की दैनिक गति। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो प्रॉब्लम हो जा रहा है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, यानी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की घूमने की गति को क्या कहा जाता है, रिवोल्यूशन कहा जाता है। द पाथ अलॉन्ग विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज फिक्स्ड एंड इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। जिस पथ पर, पाथ यानी रास्ता, जिस रास्ते पर, जिस कक्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो जो पथ है, वो रास्ता है, वो फिक्स है। यानी पृथ्वी हमेशा एक ही कक्ष में, जो रास्ता है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ मूव करने का, वो कभी भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है, एक फिक्स होता है, वो हमेशा सेट होता है, उसी सेट फिक्स रास्ते पर, कक्ष पर, कक्ष में ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ रिवोल्यूशन करती है, ठीक है। और उस कक्ष को, उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है, उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। द अर्थ्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल और ओवल इन शेप। जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, जिसे हम हिंदी में कक्ष कहते हैं, वो अंडाकार होता है, उसका आकार जो है अंडाकार है, जैसा कि एक अंडा का शेप होता है, आकार होता है, उसी साइज का पृथ्वी का जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो जो कक्ष है बनता है, तो वो अंडाकार होता है। इट टेक्स द अर्थ 1 ईयर और 365 days and 6 hours टू कंप्लीट 1 revolution। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 1 साल लगाती है, यानी कि 365 days and 6 hours। तो पृथ्वी पर 365 days और 6 hours का क्या होता है, 1 साल होता है, यानी कि 1 साल या 365 days 6 hours का समय पृथ्वी को एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ पूरा करने में लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि रिवोल्यूशन से, यानी पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ गति करने से पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जो है वो सीजन चेंज होता है पृथ्वी पर, सीजन बदलाव होता है, मौसम का बदलाव, सीजन का, अलग अलग ऋतुओं का आना जाना जो होता है, ये किस कारण से होता है, तो पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण होता है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसी गति के कारण, इसी मूवमेंट के कारण
पृथ्वी पर सीजन चेंज होता है, गर्मी सर्दी बरसात जैसी ये ऋतुएं हमारे पृथ्वी पर आती हैं। मोस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन इन ईयर, नेमली स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर। पृथ्वी पर जो सीजन पाए जाते हैं उसमें से मुख्य रूप से जो सीजन पाया जाते हैं उसका नाम यहाँ दिया गया है। स्प्रिंग सीजन है जिसे हम हिंदी में बसंत ऋतु कहते हैं, समर सीजन यानी कि गर्मी ऋतु, ऑटम सीजन यानी पतझड़ ऋतु एंड विंटर यानी कि सर्दी ऋतु। तो ये चार मुख्य ऋतुएं हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं जो सूर्य के चारों तरफ मूवमेंट पृथ्वी के रिवोल्यूशन यानी कि राउंड घूमने के कारण, चारों तरफ घूमने के कारण ये ऋतुएं बदलती रहती हैं हमारे पृथ्वी पर। दिस सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस। जो ये सीजन है ये पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमे सॉरी झुके होने के कारण भी कारण और सूर्य के चारों तरफ रिवोल्यूशन करने के कारण, दोनों के कारण अलग अलग जगहों पर पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है यदि सीधी बिल्कुल सीधी होती तो पृथ्वी के आधे पार्ट में जो एक जैसा जलवायु पाया जाता और दूसरे पार्ट में एक जैसा ऋतु पाया जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। पीछे आप लोग पढ़े भी हैं कि पृथ्वी जो है हमारी 23/2 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। एज द अर्थ ऑर्बिट्स द सन इट्स टिल्टेड एक्सिस ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। देखिए जिस प्रकार से जो पृथ्वी है उसका एक्सिस जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है, इट्स टिल्टेड एक्सिस ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन जो सूर्य की तरफ हमेशा एक ही डायरेक्शन का झुका हुआ होना होता है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेस द सन, लुक एट द गिवन फिगर। फिगर मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी, अभी यहाँ पर आप समझिए कि जो सूर्य है सूर्य की तरफ हमेशा क्या होता है कि जो सूर्य का नॉर्थ पॉइंट या साउथ पॉइंट जो ये हमेशा जो पार्ट सूर्य की तरफ जो झुका हुआ रहता है उस पर सेम डायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में हमेशा पृथ्वी जो है झुकी हुई रहती है। जो सूर्य के तरफ पड़ता है झुका हुआ पार्ट वहाँ पर हमेशा समर सीजन यानी कि वो जो पार्ट होता है उधर, एक मिनट, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि एज द अर्थ ऑर्बिट्स द सन इट्स टिल्टेड एक्सिस ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है जो पृथ्वी का एक्सिस है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में झुका हुआ रहता है, एक ही डायरेक्शन की तरफ रहता है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेस द सन। प्रकार से क्या होता है कि जो एक साल में पृथ्वी का अलग अलग पार्ट सूर्य के सामने पड़ता है और इस प्रकार से पृथ्वी के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग ऋतुएं चेंज होती रहती हैं साल में। जैसे जैसे जो जो पार्ट सूर्य के सामने पड़ता है उस पार्ट में अलग अलग, जो पार्ट सूर्य के सामने पड़ता है उस पार्ट में समर सीजन और जो बैक साइड में पड़ता है उधर विंटर सीजन पड़ता है, और जो साइड में दोनों होता है तो एक तरफ विंटर और एक तरफ
ऑटम सीजन पड़ता है। आगे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। मैं द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन गेट्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड हैज समर, व्हाइल द पार्ट दैट फेस अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस हीट फ्रॉम द सन एंड सो हैज विंटर। द पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वह पार्ट, वह भाग जो सन की तरफ झुका हुआ रहता है, उस भाग में सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है और इसलिए उस पार्ट में क्या होता है, समर सीजन होता है। जबकि दूसरा पार्ट जो सूर्य के सामने नहीं पड़ के सूर्य पृथ्वी का जो पीछे का पार्ट होता है, जो आधा पार्ट सूर्य के सामने पड़ता है, उस पार्ट में समर सीजन होता है, और आधे पार्ट जो छिपा हुआ रहता है बैक साइड में, उस पार्ट पर विंटर सीजन होता है। द सन रिसीव्स लेस, यानी कि जो पार्ट सूर्य पृथ्वी का, वह जो पार्ट पीछे साइड में होता है, सूर्य का प्रकाश वहाँ कम पड़ पाता है और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ उस पार्ट में सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त हो पाता है और इसलिए वहाँ पर विंटर सीजन होता है। ट्वाइस अ ईयर इन मार्च एंड सितंबर नाइदर ऑफ द पोल्स इज फेसिंग द सन एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ गेट रफली। देखिए ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार ऐसा समय आता है, वो कब, मार्च में और सितंबर में, कि मार्च और सितंबर में नाइदर ऑफ द पोल्स इज फेसिंग द सन, यानी कि दोनों पोल में से कोई भी पोल सूर्य के सामने, यानी कि उस न नॉर्थ पोल पर न साउथ पोल पर, दोनों पोल में से किसी भी पोल पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं पड़ता है। और क्या होता है, द अर्थ गेट रफली, और उस स्थिति में, उस समय मार्च और सितंबर महीना में, पृथ्वी जो है लगभग इक्वल आवर्स ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस, और पृथ्वी के लगभग क्या होता है कि आधा आधा समय, इक्वल आवर्स ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस, यानी पृथ्वी पर लगभग आधे समय, जैसे 24 घंटा का रात और दिन होता है पृथ्वी पर, तो मार्च और सितंबर महीने में क्या होता है कि पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, वो भी लगभग, पूरे एग्जैक्टली नहीं, लगभग 12 घंटे का दिन और लगभग 12 घंटे का रात होता है। एट दिस टाइम प्लेसेस ऑन अर्थ हैव सीजन्स लाइक ऑटम एंड स्प्रिंग विच आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और इस समय क्या होता है, जिस समय ना तो सूर्य का प्रकाश नॉर्थ पोल पर डायरेक्टली पड़ता है और ना ही साउथ पोल पर डायरेक्टली पड़ता है, उस समय मार्च और सितंबर होता है, तो उस समय पृथ्वी पर सीजन जो होता है, किसी पार्ट, एक पार्ट में ऑटम सीजन होता है तो एक पार्ट में स्प्रिंग सीजन होता है, जो कि ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। स्प्रिंग सीजन भी ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक वैसे ही ऑटम सीजन भी न तो ज़्यादा गर्म होता है न ही ज़्यादा ठंडा होता है। ये कब होता है, जब सूर्य के प्रकाश न तो नॉर्थ पोल पर पड़ता है न तो साउथ पोल पर पड़ता है। जब समर सीजन आता है, समर सीजन में भी एक पार्ट या तो नॉर्थ पोल पर या तो साउथ पोल पर, एक जब नॉर्थ पोल पर पड़ता है तो पृथ्वी का हाफ पार्ट सूर्य की तरफ रहता है, फिर जब साउथ पोल पर पड़ता है तो पृथ्वी का हाफ पार्ट सूर्य के सामने पड़ता है। ठीक है, दस एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर ऑन द प्रीवियस पेज, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस अपोजिट सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल इन दिसंबर कनाडा विच लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर, वाइल ऑस्ट्रेलिया इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैज समर।
In June, Canada experienced summer, while Australia experienced winter. देखिए इस पर का हम लोग आगे मैं आप लोग को बताऊंगी और फिगर भी दिखाऊंगी। तो उसमें यहाँ कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस अपोजिट सीजन। जब हम आप लोग को बताए हैं कि इक्वेटर जो है पृथ्वी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट होता है पृथ्वी का उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का जो पार्ट होता है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। इस तरह से दोनों हेमिस्फीयर में जो सीजन होता है अपोजिट होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ बताया है इन दिसंबर, दिसंबर महीने में यदि कनाडा में, कनाडा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वहाँ यदि विंटर सीजन होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वहाँ क्या होता है समर सीजन होता है। ठीक हमारे इंडिया में भी, इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया में भी दिसंबर में क्या पड़ता है ठंडा होता है, विंटर सीजन होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है दिसंबर महीने में कड़ाके की गर्मी पड़ती है। और जब हमारे यहाँ जून महीने में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, जो इंडिया है या कनाडा है, तो ठीक उसके अपोजिट होता है ऑस्ट्रेलिया में जून महीने में कड़ाके की ठंडी पड़ती है। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ओके, ये यहाँ आप लोग को दिखाई देगा, यहाँ जो है फिगर है, देखिए ये जो है इन मार्च नाइदर ऑफ द पोल्स इज फेसिंग द सन। मार्च महीने में सूर्य के कोई भी पोल जो है ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल सूर्य के सामने नहीं पड़ता है। इट इज अ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उस समय जब स्प्रिंग, जब सूर्य का जो कोई भी पोल चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो सूर्य के सामने नहीं पड़ता है, तो क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग सीजन जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए फिगर में दिखाया है, यहाँ सूर्य है आप लोग देख रहे होंगे, ये मार्च 21 मार्च का दिन है, देख रहे हो यहाँ क्या है 21 मार्च है, और सूर्य सीधे जो है इस पार्ट पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है जो पृथ्वी के आधे पार्ट पर पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये पृथ्वी के, देखिए ये सामने आधे पार्ट जो है इस पार्ट पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है, न तो यहाँ साउथ पोल पर पड़ रहा है न तो ये नॉर्थ पोल पर पड़ रहा है, दोनों में से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में से किसी पोल पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये आधे जो सामने का ये एरिया है इस पार्ट पृथ्वी के इस एरिया पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है। ठीक है, मार्च महीने में तो यहाँ क्या है समर सीजन है इस पार्ट में, मार्च में सॉरी इस यहाँ क्या होता है यानी नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर कहीं नहीं पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली, तो इस समय क्या है स्प्रिंग सीजन है। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है स्प्रिंग सीजन है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इधर क्या है तो ऑटम सीजन है। ठीक है, यहाँ मार्च के बाद जब हम आते हैं अप्रैल मई जून, यहाँ अप्रैल मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ऐसे आप लोग को पता है कि जो पृथ्वी है वो पूरब से पश्चिम घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, सॉरी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो ऐसे घूमती है पृथ्वी, तो ऐसे घूमते हुए ये क्या करती है अपने ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे ऐसे घूमती है, अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो ये मार्च से चलते चलते यहाँ घूमते घूमते जून में यहाँ आती है, जून में यहाँ जब आती है तो देखिए यहाँ पर क्या है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ठीक आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है,
और आधे भाग पर क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो पृथ्वी के आधे भाग, पूरा पूरी आधे भाग पर सूर्य का डायरेक्ट मतलब सीधी किरणें पड़ रही हैं, एकदम सीधी किरणें सूर्य के आधे भाग पर पड़ रही है जून में। तो जून में क्या होता है, जून में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, रुकिए को दिखा रही हूँ, पेंसिल मेरा काम नहीं कर रहा। हाँ, अब यहाँ देखिए, जो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें क्या होता है कि देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए, ये नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ये जो है नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन साउथ पोल जो यहाँ है इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो जब नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सीजन होगा, और साउथ पोल पर क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सीजन होगा। ठीक है, तो ठीक, यहाँ पर फिर जून के बाद जुलाई और अगस्त और सितंबर, यहाँ सितंबर महीने में पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आती है। तो जो ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये पृथ्वी जो है यहाँ से फिर घूमते घूमते यहाँ से फिर मूव करते हुए आती है यहाँ पर सितंबर महीने में। एक तो सितंबर महीने में क्या होता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के आधे पार्ट पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक इसके अपोजिट जो पीछे वाला जो पार्ट यहाँ छिपा हुआ है उस पार्ट पर यहाँ क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है, जो ये पार्ट है। यहाँ पर पृथ्वी का जो पार्ट छुपा हुआ है वो पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि सूर्य के सामने पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ये ठीक इसके उल्टा यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके उल्टा ठीक यहाँ होता है। यहाँ सितंबर महीने में क्या हो रहा है, लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, दोनों में से किसी पोल पर भी सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, पृथ्वी के आधे पार्ट पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जो क्लाइमेट है वो जो नॉर्दर्न में ऑटम सीजन होगा और सदर्न में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक ऐसे ही मूव करते हुए पृथ्वी जब यहाँ आती है तो दिसंबर में आ जाती है, दिसंबर महीने में पृथ्वी यहाँ पहुँचती है सूर्य के, तो इस जगह पर जब पहुँचती है अपने एक्सिस पर, तो ये दिसंबर महीना होता है। और दिसंबर महीने में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जो है ये जो साउथ पोल है, इस साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जबकि नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। ठीक है, इसके ठीक इसके यहाँ के सीजन के ठीक उल्टा यहाँ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर यहाँ पृथ्वी मूव करते करते यहाँ पर आ जाती है मार्च महीने में, और इस तरह से एक साल पृथ्वी पर हो जाता है 365 दिन 6 घंटे का। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा है, इन जून द नॉर्थ पोल इज फेसिंग द सन व्हाइल द साउथ पोल इज फेसिंग अवे फ्रॉम इट, सो इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर आप लोग फिर यहाँ देख रहा है, इन सितंबर Neither of the pole is facing the sun. It is spring in the southern hemisphere and autumn in the northern hemisphere. यहाँ जब सब कुछ मैं बता चुकी आप लोग को, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हैं देखिए, ये है, ड्यूरिंग स्प्रिंग ट्रीज स्प्राउट न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम आफ्टर द कोल्ड विंटर मंथ। जो स्प्रिंग सीजन कब आता है, तो ठंडी का सीजन बीतने के बाद जो है स्प्रिंग का
स्प्रिंग सीजन आता है और उस समय पेड़ जो है उन पर पेड़ों पर नए नए पत्तियाँ आ जाती हैं और सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। बर्ड्स बिल्ड्स नेट्स नेस्ट्स, जो बर्ड्स होते हैं पक्षियाँ होती हैं वे अपना घोंसला बनाना शुरू करती हैं। द वेदर इज़ मिल्ड एंड प्लीजेंट, जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें जो मौसम होता है वो मध्यम होता है, न तो ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, यानी कि मध्यम और आनंददायक होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ है स्प्रिंग सीजन के बाद क्या आता है, समर सीजन। द समर मंथ्स आर हॉट एंड ड्राई, ठीक है, जो समर महीना होता है वो क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है और सूखा हुआ होता है। द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट, गर्मी के मौसम में आप लोग खुद देखते होंगे कि दिन बहुत बड़ा होता है और रात जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इन मेनी प्लेसेस रिवर्स एंड लेक्स रन ड्राई, समर सीजन में बहुत सारे जगहों पर नदियाँ और झीलें जो होती हैं वो सूख जाती हैं, उसमें पानी नहीं रह पाता है। ठीक है, फिर इसके बाद समर सीजन के बाद आता है ऑटम सीजन। इन ऑटम लीव्स चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, ऑटम सीजन में क्या होता है कि पत्तियाँ जो हैं अपने रंग चेंज करने लगती हैं, बदलने लगती हैं, यानी कि हरा से धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाता है और पीले होकर के फिर सूख जाता है और फिर पेड़ से पत्ती अलग हो जाता है, गिर जाता है नीचे पृथ्वी पर। डेज एंड नाइट्स आर ऑफ द सेम लेंथ, जो ऑटम सीजन होता है या स्प्रिंग सीजन होता है, दोनों सीजन में जो डे और नाइट यानी रात और दिन दोनों का लंबाई जो होता है लगभग सेम होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, द वेदर इज़ प्लेजेंट, और ऑटम सीजन में भी जो सब मौसम होता है आनंददायक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पड़ता है। ठीक है, इट इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, ऑटम सीजन के बाद क्या आता है, विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है उसमें। इन मेनी प्लेसेस और स्नो फॉल्स, बहुत सारे जगहों पर जो पहाड़ी इलाका होता है ठंडा एरिया होता है वहाँ पर बर्फ भी गिरता है विंटर सीजन में। ट्रीज लूज ऑल देयर लीव्स, और जो ट्रीज होते हैं पौधे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ बिल्कुल गिर जाती हैं। द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग, विंटर सीजन में क्या होता है, दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, मार्च महीने में स्प्रिंग सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, मार्च महीने में स्प्रिंग सीजन है। ठीक है, पेंसिल और दोनों काम नहीं करता है। ठीक है, तो मार्च महीने में क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट होता है। ठीक है, इसके बाद जून में समर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, और सितंबर महीना में फिर ऑटम सीजन आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आ गया, ठीक इसके अपोजिट हो गया, और दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो फिर सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आ जाता है। इस तरह एक दूसरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में जो सीजन है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, इन इंडिया वी हैव इट अनदर सीजन द मानसून, इंडिया में एक दूसरा सीजन भी होता है इन सभी स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर के सिवाय भी एक सीजन होता है जिसे मानसून यानी कि वर्षा ऋतु कहते हैं। दिस इज द सीजन ऑफ रेन्स इन इंडिया, इस ये जो सीजन होता है वर्षा का सीजन होता है, इस समय इंडिया में बारिश होती है। इट अकर्स एवरी ईयर्स बिटवीन जून एंड अगस्त, जो मानसून सीजन होता है ये हर साल कब आता है, तो जून से शुरू होता है और अगस्त तक लगभग ख़त्म होता है, यानी कि जून से अगस्त तक ये मानसून सीजन
इंडिया में रहता है, ठीक है, और हर साल। इस प्रकार से ये आज हमारा सेकेंड लेसन ख़त्म हुआ, और आगे मैं इसमें का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, जो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद करने का भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं वॉइस स्नैप ऐप पर क्वेश्चन आंसर लिखकर भेज दूंगी, तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसे याद भी कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, समझिएगा, ठीक है।